सदमा लगा होगा उसके परिवार वालों को कि जिस जिले का कलंक उसी जिले के जेल में आखिरी सांस ले, उसकी आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी, और उसका बेटा क्या कहेगा, मेरे पापा पटना के कलेक्टर थे और पटना के जेल में मर गए, कितना बड़ा थप्पा लगा करके गया, क्या कमी थी भाई उस कलेक्टर को, क्या कमी थी, दाल रोटी कम पड़ गया, क्या कमी, रहने को घर नहीं मिला, चलने को गाड़ी नहीं मिली, सोचना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि सोचने के लिए एक ही उदाहरण काफी है, हम इतने सारे उदाहरण की चर्चा कर रहे हैं, ये तो बहुत है, एक उदाहरण काफी है सीख लेने के लिए, एक उदाहरण काफी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा भी होता है, कहते हैं अरे भैया आप लोग तो इतना लंबा चौड़ा बोलते हैं, कहीं कुछ होता ही नहीं, भैया होता नहीं है तो अब चंद्रगुप्त बनने वाला वो प्रतिमा भी तो चाहिए, यहाँ पे चाहते तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, कोशिश तो हमेशा है कि अपने बीच से भी अनिल अग्रवाल और सुब्रत राय सहारा बनकर के लिए, लेकिन हमारे भीतर से मैकाले वाला भूत उतरेगा तब तो मैकाले तो हमारे जीन में आ गया है, जीन में हमें अपने बेटे को मैं बेटा पढ़ लिख करके किसी तरह से देखना, मैं पीओ एस एस सी बीपीएससी यूपीएससी पूछो, ये भूत किसका है, जीन दिया हुआ लॉर्ड मैकाले, बहुत बड़ा फिलोसफर रहा हो, देश गुलाम गुलामी से मुक्त भले हो गया हो, लेकिन इस तरह से मानसिक गुलामी से हम आज भी मुक्त हैं। कितने लोग कलाम आईआईटी कॉलेज में गए थे, आईआईएम के कॉलेजों में गए, एपीजे अब्दुल कलाम, लोगों से दिलचस्पी लेनी शुरू की, पूछा आप तमाम लोग देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ रहे हो, बताओ पास आउट होने के बाद क्या करना चाहते हो, मेरे मित्रों पता है आपको सिंगल हैंड नहीं आया निकल करके कि हम पढ़ने के बाद देश की दशा और दिशा को सुधारने के लिए पॉलिटिक्स या फिर किस तरह के लीडिंग रोल में आना चाहते हैं, सिंगल हैंड नहीं होता। आपको क्या लगता है कि पैकेज पर नौकरी करने वाले लोग देश की दशा और दिशा सुधार करेंगे, सवाल ही नहीं, इतिहास ही नहीं है, सवाल कैसे, आपको 5 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा आपकी नहीं चलेगी, आप एक नौकरी करने वाले लोग ही नहीं। कलाम ने कहा कि यह देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतने प्रतिभावान लोग देश की सेवा में नहीं आना चाहते, देश की दशा देश की इस जिम्मेवारी को लेना नहीं चाहते। आईआईएम के कॉन्वोकेशन में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, सोचना पड़ेगा, हम देश के नेताओं को गाली देते हैं, चोर है चोटा है अनपढ़ है दुष्कर्मी है बलात्कारी है, अरे भाई अच्छे लोग आना ही नहीं चाहते तो क्या वो देश की संसद खाली रहेगी, वहां कोई ना कोई तो बैठेगा ही ना, विधानसभा में कोई ना कोई तो बैठेगा ही, हम बढ़कर के आईपीएम बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, हम नेता नहीं बनना चाहते, हमारी नेता की छवि हमारे यहाँ कुछ बदमाशों ने इतनी खराब कर दी कि हम बनना ही नहीं चाहते, हम उसको सुधारने का भी संकल्प नहीं करते। ये आज हमारी जो युवा पीढ़ी है जो जिसके ऊपर वोट बैंक सबसे ज्यादा है वो कहता है कि हमको ये बनना ही नहीं, नेता तो यही चाहता ही कि अच्छा है इस पर हमारा हमारी मोनोपोली है, हमारा एकाधिकार है, नेता का बेटा नेता अच्छा है, बाकी सारे लोग वोटर्स हैं, वोट देते हैं, डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर बन जाओ सब कुछ बन जाओ, बनना ही जब मौका मिलता है हमें भी जो नेताओं को गाली देते हैं तो हम तो उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप बताइए, कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत खराब है, एक अक्षर ज्ञान नहीं है उसको हेल्थ का, और बन गया है हेल्थ मिनिस्टर जब जो चाहता है कर देता है, हमने कहा आपका बेटा पढ़ रहा है ना अभी मेडिकल, आप चाहेंगे कि हमारा बेटा विधायक बने और विधायक बनकर के वो स्वास्थ्य मंत्री बने ताकि आपकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को दूर हो, ना ना हम तो ये नहीं चाहते, अरे भैया देश में भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो, ये क्या मतलब भाई, सबको यही कह रहा है भगत सिंह, अरे बहुत अच्छे आदमी, नौडा बहुत क्रांतिकारी, देश पर मर मिटने वाला नवयुवक, बहुत बढ़िया, लेकिन ये भगत सिंह मेरे घर में ना पैदा, मेरे घर में उनके घर में हो तो अच्छा है, हम तारीफ करेंगे, क्या मतलब है भाई, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बातें बहुत सारी हैं, यहाँ पे आते
करके कि शायद किसी को कोई बात लग जाए और कोई कहीं से अपना सफर शुरू करे। तो समय हो ही चला है, बातें तो बहुत सारी और अपनों से अपनी बातें करने में तो दो चार पांच दिन तक लगातार बातें हो सकती है और समय कम पड़ जाएगा, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम अपने समापन की ओर कुछ